पहली बार आए हैं पहले उनके लिए बता दूं कि हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर एसेंशियल अभी करंटली हम कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज इसमें हमने सोशोलॉजी एंड इकोनॉमी डिस्कस कर लिया इन डिटेल नेक्स्ट हम देखते हैं सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी ठीक है तो तो पहले देख लिखा है साइकोलॉजी इज ऑफन डिफाइंड एज साइंस ऑफ बिहेवियर तो आपको जहां भी साइकोलॉजी देखने को मिलेगा आपको समझ में आएगा इट इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड ठीक है ह्यूमन माइंड लॉज ऑफ माइंड तो बेसिकली दिमाग की चीजें मेंटल एटीट्यूड्स वो सारा किससे रिलेटेड है आपके साइकोलॉजी से और सोशोलॉजी हमने इन डिटेल पढ़ लिया ये क्या है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है इसको आप साइंस ऑफ सोसाइटी बोल सकते हो ठीक है साइकोलॉजी जो है ये अभी भी क्लोजनेस मेंटेन करता है विद नेचुरल साइंसेस मैंने आपको सोशोलॉजी में कहा जो इसके फाउंडिंग फादर्स है उन्होंने कहा था सोशलॉजी को वैसे ही स्टडी करो जैसे आप स्टडी करते हो नेचुरल साइंसेस को दो बाद में काउंटर कारण्स डेवलप हुई उन्होंने बोला कि आप इसमें जो साइंस है उसमें आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो पर सोशोलॉजी में अगर आपको लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने हैं सोसाइटी पे एक्सपेरिमेंट करना है आप सोसाइटी को लैब में नहीं ले सकते हो तो इस वजह से क्या हम सोशोलॉजी को एंटायरली एज नेचुरल साइंस ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं वैसे स्टडी उसकी कर सकते हैं कि नहीं ये आइडिया अभी भी कंटेस्टेड है तो लेकिन साइकोलॉजी जो है ये अभी भी मेंटेन करता है अपनी क्लोजनेस विद नेचुरल साइंसेस ये अभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक मेथड है वो यूज करता है यह हमें आगे पढ़ना है जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजीज पढ़ेंगे यहां मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ हाइपोथेसिस क्या होता है बेसिकली कोई भी एक स्टेटमेंट आपकी जो मोस्टली कॉमन सेंस नॉलेज पे आपकी बेस्ड होती है फॉर एग्जाम्पल आप देखो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ठीक है ये एक स्टेटमेंट होगी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट फिर क्या होगा पहले ये आप एक स्टेटमेंट बनाते हो और डिवाइस करने के बाद ये स्टेटमेंट डिवाइस करने के बाद आप इसी अराउंड अपनी रिसर्च बिल्ड करते हो तो इससे जो आपका रिसर्च वर्क है वो नैरो डाउन हो जाता है आपको पता होता है आपको किस अराउंड अपनी रिसर्च करनी है फिर अपनी रिसर्च के थ्रू जो आपने स्टेटमेंट अपना हैपोथिसिस बनाया होता है या तो उसको फॉल्सिफाई करते हो या तो उसको वेरीफाई करते हो या तो वो ट्रू प्रूव uh, होती है या तो वो फॉल्स प्रूव होती है ठीक है तो ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में अभी भी बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है तो आगे चलते हैं रिलेशन बिटवीन टू डिसिप्लिन में देखते हैं हम कि अलग थिंकर्स ने क्या कहा है तो जेस मिल्स ने क्या कहा जेस मिल्स ने कहा कि प्रेमिसी है साइकोलॉजी को ओवर ऑल अदर सोशल साइंसेस एंड ऑल लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम द लॉज ऑफ माइंड क्योंकि सारे लॉज जो है वो लॉज ऑफ माइंड से ही डिराइव हुए हैं तो प्रेमिस है आप साइकोलॉजी को तो ना कि सोशोलॉजी को मतलब ये जो दुनिया चल रही है सब दिमाग का खेल है ये जे एस मिल्स ने कहा सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि इंपॉर्टेंस है इनहेरिटेंस को ओवर द एनवायरनमेंट दैट मींस एक इंडिविजुअल कैरेक्टर इंडिविजुअल ट्रेड्स जेनेटिक ट्रेड्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके कंपैरिजन में किसके कंपैरेटिवली आपके सराउंडिंग्स एन्वायरमेंट के कंपैरिजन में तो इन्होंने भी फिर किसको दी साइकोलॉजी को यहाँ से आपके दुर्खेम आ गए इन्होंने क्या कहा इनको इनको बहुत इस चीज से प्रॉब्लम थी कि सोशोलॉजी के साथ और कोई चीजें आप ऐड नहीं करो इन्होंने कहा सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी को बिल्कुल अलग रखो हुई बिल्कुल डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है इन्होंने स्टडी की थी एक सुसाइड की काफी इंपॉर्टेंट स्टडी भी रही है आप देखो अगर आप इसी बारे में पढ़ रहे हो सुइसाइड के बारे में तो सबसे पहले आपको क्या आएगा दिमाग में कि उस इंसान की साइकी क्या था उस इंसान की साइकोलॉजी किस अराउंड बिल्ड थी उसकी साइकोलॉजी कैसी थी लेकिन दरखेम ने इन चीजों को नेगेट किया उन्होंने कहा साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन आप लो ही नहीं अगर आपको सुसाइड को स्टडी करना है क्योंकि ये एक सोशल फिनोमिना है दैट मीनस ये आपके सोशोलॉजी आपके सोसाइटी से रिलेटेड है ये एक सोशल फिनोमिना है और ना कि कोई साइकोलॉजिकल फिनोमिना ठीक है तो इन्होंने ये बात बताई दुर्खेम ने तो जहां साइकोलॉजी को प्रेमेसी देने की बात आई वो किन्होंने कहा जेस मिल्स ने एंड सिगमेंट फ्र्यूड ने और जहां साइकोलॉजी को प्रेमेसी देने की बात आई ये किन्होंने कहा दुर्खेम ने ठीक है अब देखते हैं कुछ जिन्होंने इंटरमीडिएट पोजिशन इसमें ली एक एंड पे आपको मिले सिगमेंट फ्यूड और जेस मिल्स दूसरे एंड पे आपको मिले दुर्खेम अब इन बिटवीन भी कुछ है जिन्होंने कहा साइकोलॉजी भी और सोशोलॉजी एक दूसरे को एनरिच करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है उसमें कुछ नाम देखते हैं गिन्सबर्ग ने क्या कहा मेनी सोशोलॉजिकल जनरलाइजेशन कैन बी मोर फर्मली स्टैब्लिश्ड अगर उनको हम रिलेट करेंगे साइकोलॉजिकल लॉस से ठीक है तो मतलब वो साइकोलॉजी जो है वो सोशोलॉजी को एनरिच करेगा वेबर ने भी यही बात कही वेबर ने कहा कि जिकल एक्सप्ले कैन बी फर्दर इफ एन अटेम्प्ट मेड टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग मीनिंग्स देखो ये आपको इन डिटेल पढ़ना है वेबर इनका क्या मानना था अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या उनका कोई एक्शन है हमें उस एक्शन को इंटरप्रिट ऐसे करना है हमें उसका अंडरलाइंग मीनिंग पता चलना चाहिए अंडरलाइंग मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा उनकी साइकोलॉजी से अगर हमें ये पता चलेगा कि अंडरलाइंग मीनिंग क्या है तो हम उस पूरे इंटरैक्शन को समझ पाएंगे दैट मीन्स हम एक सोसाइटी के सेटअप को समझ पाएंगे अगर हम किस पे ध्यान दें अंडरलाइंग मीनिंग्स पे लोगों के एक्शन के ठीक है ये किन का मानना था वेबर का इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको अभी समझ में नहीं आया ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है अगर आपने सिलेबस देखा होगा चैप्टर फोर में कुछ थिंकर्स हैं तो वहां पे हम उनकी डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सारे थिंकर्स के अब अकॉर्डिंग टू गर्ल्स एंड मिल्स इन्होंने कहा कुछ कॉन्सेप्ट है रोल वो मीटिंग पॉइंट होते हैं जहां पे सोशल स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल कैरेक्टर मीट अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कोई एक इंडिविजुअल है ठीक है उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर किस चीज से रिलेटेड है साइकोलॉजी से और यहाँ से एक फैमिली का इंस्टीट्यूशन है फैमिली किस चीज से रिलेटेड है आपके सोशोलॉजी से अभी इंडिविजुअल कुछ रोल टेकअप करता है अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग इस फैमिली में एक फादर भी है ब्रदर भी है सन भी है तो हर इंटरैक्शन में इसकी जो साइकी साइकोलॉजी है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी ठीक है तो रोल जो है ये मीटिंग पॉइंट है ये एक साइकोलॉजी को मिलाता है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से एक सोशल स्ट्रक्चर से ये कर्थन मिल्स का कहना था अब इनकी कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं ये स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी है फाइन और ये है इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटीज में आप लेकिन सोशियोलॉजी में आप कलेक्टिव स्टडी करते हो कलेक्टिवली आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं देखोगे आप उनके पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन को देखोगे और इसमें आप एक इंडिविजुअल को भी स्टडी करोगे ये इट इज़ द साइंस ऑफ मैं एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर और सब्जेक्ट मैटर में आगे इंस्टिंग इमिटेशन पैशन सिंपती सजेशन आपके लॉज ऑफ माइंड वाली चीज़ें और इसमें आगे सोशल इंस्टीट्यूशन और इनके इंटर रिलेशनशिप सब्जेक्ट मैटर में फैमिली इंडिविजुअल रिलीजन यही चीज़ें स्कोप साइकोलॉजिकल लिमिटेड है इसका वाइड है काफ़ी ये मोर साइंटिफिक है मैंने आपको हाइपोथेसिस की एग्जाम्पल दी और इसमें अभी भी आइडिया कंटेस्टेड है कि हमें इसको नेचुरल साइंस की तरह ट्रीट करना चाहिए या नहीं और इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट भी आए हैं वो भी हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है अभी तो हम बस एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सोशोलॉजी का सोशल साइकोलॉजी सर्व करता है ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी देखो अब सोशल साइकोलॉजी क्या होता है आपकी साइकोलॉजी कैसे डिटरमिन करती है आपकी सोसाइटी सिंपल लेम एंड टर्म्स में आपकी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करती है आपकी सोसाइटी देखो अब आपको पता भी नहीं चल रहा होगा लेकिन आपकी साइकोलॉजी पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा होगा अगर आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है ठीक है आपने फेसबुक पे कोई एक पोस्ट डाला उस फेसबुक पे आपके फाइव थाउजेंड फ्रेंड्स हैं जिसमें से आप थ्री थाउजेंड को या फोर थाउजेंड को जानते भी नहीं हो लेकिन उस डाला तो तो आप था आपको पता है लोगों को पसंद आ रहा है नेक्स्ट टाइम आप उसी टॉपिक पे दोबारा पोस्ट डालने की कोशिश करोगे आप समझ रहे आपकी जो साइकोलॉजी है वो डेवलप किस अराउंड हो रही है कैसे वो डेवलप हो रही है जैसे सोसाइटी उसको देखना चाहे मतलब सोसाइटी एक फ्रेम कर रही है आपकी पर्सनालिटी को आपकी साइकोलॉजी को इसको हम सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं ठीक है ये ब्रिज करता है साइकोलॉजी और सोशोलॉजी को मेंटेन करता है प्राइमरी इंटरेस्ट तो इंडिविजुअल में भी है लेकिन कंसर्न करता है इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा सोशल ग्रुप्स में उसको पता है कि फेसबुक पे मैं फेमस हो जाऊंगा अगर मैं इस चीज के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो वो उसी चीज के बारे में वीडियो और पोस्ट डालेगा तो आपकी जो इंडिविजुअल है आपका कैरेक्टर कैरेक्टर फ्रेम हो रहा है कौन को फ्रेम कर रहा है आपकी सराउंडिंग आपकी सोसाइटी ये हो गया आपका साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी तो इसमें हमने क्या देखा पहले एक्सट्रीम ये तो पहले इंट्रोडक्शन हो गया फिर एक्सट्रीम व्यूज देखे हमने जे एस मिल्स के और सिगमेंट फ्रियड के ये किस चीज़ से रिलेटेड थे साइकोलॉजी को प्रेमिसी दी सोशोलॉजी पे फिर दुर्खेम ने किसको दी सोशोलॉजी को दी और इन एस फॉर सोशोलॉजी एस फॉर इनकी इम्पोर्टेंट स्टडी स्यूसाइड ठीक है फिर कुछ इंटरमीडिएट भी थे जैसे गिन्सबर्ग और कौन से रोल वाला कौन था गर्थ एंड मिल्स और वेबर वगैरह ठीक है ये आपके थे जिन्होंने इंटरमीडिएट पोजिशन ली थी फिर हमने इसके कुछ सोशल साइकोलॉजी जो है ब्रिज करता है दोनों को और इसके हमने कुछ डिफरेंसेस देखी ठीक है अब सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री देखते हैं देखो पहले जी ई हॉवर्ड ने कहा हिस्ट्री इज पास्ट सोशलॉजी एंड सोशोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री अब देखो हिस्ट्री इज पास्ट सोशोलॉजी का क्या मतलब हुआ हमने स्टार्टिंग किया पहले चैप्टर में जब हमने आपको थोड़ा मैंने आपको इमरजेंसी ऑफ सोशोलॉजी के बारे में बोला तो हमने स्टार्ट किससे किया फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा ठीक है तो वो किन वो कौन सी चीजें हैं वो हिस्ट्री की चीजें हैं वो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो हमने वो सोशोलॉजी में भी पढ़ी तो इसी, इसी चीज का एक्चुअली मतलब है हिस्ट्री इज ए पास्ट सोशोलॉजी अब देखो वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ हम सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे ना सोसाइटी में कुछ चीजें हो रही थी चाहे वो एक्सप्लाइटेशन हो चाहे इनक्वालिटी हो बहुत ज्यादा ठीक है लोगों को लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था एजुकेशन बहुत कम थी आपके सोशल रिलेटेड सारी चीजें हैं काफी चीजें सोसाइटी रिलेटेड है तो इन सब चीजों की वजह से फाइनली क्या हुआ एक रेवोल्यूशन हुआ वो एक हिस्ट्री की चीज है लेकिन वो हुई क्यों वो इवेंट आकर क्यों हुआ उस टाइम के सोसाइटी की क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से वो इवेंट आकर हुआ इसको बोलते हिस्ट्री इज है, है पास सोशलॉजी पास सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ है कि वो एक हिस्टोरिकल इवेंट आकर हुआ सिंपल और सोशोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री अब ये आ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सोशल मीडिया को स्टडी करना है ठीक है तो हिस्ट्री कैसे स्टडी करेगा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ सोशल मीडिया का पहले लेटर्स लिखते थे फिर पेजर सिस्टम आ गया मोबाइल में एस एम एस सिस्टम फिर टू जी थ्री जी कनेक्शन वगैरह और करंटली हम सोशल मीडिया पे आ गए सोशल मीडिया से एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो हिस्ट्री का एस्पेक्ट हुआ अगर सोशोलॉजी स्टडी करेगा सोशोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री तो जो हिस्ट्री में चलता आ रहा है इवॉल्व होती आ रही है कोई चीज और जो करंट हमारे पास है हम उस करंट को स्टडी कर रहे हैं सोशोलॉजी so, में आप करंट सोसाइटी को स्टडी करते हो वैसे करंट क्या इंपैक्ट है सोसाइटी पे इसका सोशल मीडिया का ठीक है सोसाइटी को वो कैसे रूल कर रहा है सोशल मीडिया कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है फाइन जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी में भी सोशल मीडिया की लाइक्स की बात बताई आपको एग्जाम्पल दी तो सोशलॉजी वो सारी चीजें स्टडी करेगा क्योंकि वो करंटली आपके एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है और हिस्ट्री में पास्ट सोसाइटी जो थी उसमें क्या ऐसे इवेंट हुए क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हुए कॉजेज सॉरी हिस्ट्री में पास्ट में क्या ऐसे कॉजेज हो गए सोसाइटी में जिसकी वजह से कोई एक इवेंट आकर हुआ वो आपका होता है हिस्ट्री सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री आई होप ये क्लियर हुआ होगा अगर नहीं हुआ होगा रिपीट करो ये जो कुछ सेकेंड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा फिर से ये देखो वीडियो वापस रिपीट करो आपको ऐसा ऐसा ही समझ में आ जाएगा मैंने आपको क्या बोला मैं काफी सिंपल बनाने की कोशिश की आपके लिए ये फिर कल फिर अब हम देखते हैं रिलेशन क्या है मार्क्स से दुर्खेम ने यूज किया था हिस्टोरिकल डेटा को अपने सोशियोलॉजिकल डिस्कोर्स में जो पता है कि हम सोशोलॉजी और हिस्ट्री का रिलेशन कैसे डिटरमिन करते हैं आपको अगर सोसाइटी का कोई रिलेशन चाहिए तो आपको थोड़ा पास्ट के बारे में सोसाइटी के बारे में जानना है तो वो पास्ट आप किसके पास जाओगे हिस्टोरिकल डेटा लोगे ठीक है वही यहाँ पे बात बताइए काल का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इस इसपे अगर आप मेरी चैनल पे जाओगे रैंडम सोशोलॉजी वीडियोस में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मैंने एक्सप्लेन भी किया है कार्ल मार्क्स का इसको हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे थिंकर्स के चैप्टर में वहां पे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ठीक है ये हम उसके लिए वहां तब पढ़ेंगे अगर अभी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्ले में जा सकते हो रैंडम सोशोलॉजी वीडियो उसमें आप ही देख सकते हो वेबर ने भी बोला प्रोटेस्ट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये भी हम वेबर के टाइम पे डिस्कस करेंगे तो अभी के लिए टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं कार्ल मार्क्स और वेबर ये अकेला अकेला चार चार दिन चार चार लेक्चर पांच पांच लेक्चर के टॉपिक्स हैं ये कार्ल मार्क्स और वेबर वाले तो यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी आगे चल जा, अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं हिस्ट्री जो है ये हमें पता है की स्टडी करता है पास्ट को और सोशलॉजी जो है ज्यादा इंटरेस्टेड होता है किसमें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जैसे आपकी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था और रिसेंट एंड प्रेजेंट में ये देखते हैं हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन और एक कॉजल रिलेशनशिप सोशोलॉजी स्टेब्लिश करता है मीन्स क्या कॉज है चीज का और उसका क्या इफेक्ट है ठीक है ये कंक्रीट डिटेल स्टडी करता है किसी एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑफ रियल इवेंट्स जो हुए हैं ठीक है उनके ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होता है ऑब्जेक्टिव मींस जिसमें आप अपना कोई प्री कंसीव नोशन या आपकी कोई फीलिंग अटैच नहीं हो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो उसकी कंक्रीट डिटेल्स पढ़ते हैं हम तब ऐसे नहीं कहते कि मतलब हम उसे बायस नहीं हो सकते वो एक इवेंट है एक रियल इवेंट है जिसको हम ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में लेकिन सोशोलॉजी में कहीं ना कहीं अगर हम कोई अः थेरी लेके आते हैं कोई रिसर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अब थोड़ा सा बायस्ड होते हैं ठीक है वो हम आगे देखेंगे कि बायस्ड कितना होते हैं क्या क्या मेथरटिस्ट में बायसनेस सोशियलॉजी में में सोशोलॉजी क्या करता है कोई एक रियालिटी है ठीक है उसमें से ये उसको कैटेगराइज करता है और पर्टिकुलर इवेंट्स को जनरलाइज करता है अब देखो अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊ अगर सोशोलॉजी स्टडी करना चाहता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो कैसे इंपेक्ट करती है आपकी इनकम को ठीक है तो ये है इसका एरिया स्टडी करने का ये इसका फोकस ऑफ स्टडी है तो ये क्या करेगा ये इस चीज को ये कंक्रीट रियालिटी है एजुकेशन और इनकम के बीच का रिलेशन इसको ही कैटेगराइज करेगा किन किन ग्रुप्स में एक ये हाई इनकम ग्रुप निकालेगा लो इनकम ग्रुप निकालेगा ठीक है फिर देखिएगा हाई एजुकेशन हाई लेवल ऑफ एजुकेशन लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन और इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा यही होता है कैटेगराइज करता है और जनरलाइज करता है पर्टिकुलर इवेंट्स को फ्रॉम दी कंक्रीट रियालिटी अब यहाँ से जो इसका ये निकल गया रिजल्ट निकला उसको जनरलाइज जेनरलाइज करेगा एक यूनिवर्सल लॉ जैसा बनाएगा फॉर एग्जाम्पल इसको ये रिलेशन स्टेब्लिश करके ये पता चला रिसर्चर को कि हाई एजुकेशन जिसकी होगी उसका हाई इनकम होने के चांसेस ज्यादा है तो ये एक जनरलाइज ये लॉ बनेगा जिसको ये फिर हर बाकी कंट्रीज में भी अप्लाई कर सकता है हिस्ट्री जो है ये लुक्स एट द इवेंट फ्रॉम दी फ्रेमवर्क ऑफ टाइम क्रोनोलॉजी देखता है हिस्ट्री ठीक है और सोशलॉजी क्या देखता है लुक्स एट इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन इन वर्ल्ड ये टाइम नहीं देखता नेचर ऑफ रिलेशन इन वर्ल्ड इसमें आप कार्ल मार्क्स की एक्जाम्पल लेके समझ सकते हो इसमें मैंने कहा था हैव्स और हैव नॉट्स है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप या आप ओन कर रहे हो फैक्ट्री को और यू आर ओन्ड बाई फैक्ट्री ओनर तो ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या था हर सोसाइटी में ये इस चीज के साथ ज्यादा कंसर्न है दी इंटरेक्शन बिटवीन टू डिसिप्लिन कैन बी फाउंड इन दिस सब्जेक्ट मैटर में आप इंटरेक्शन दे सकते हो देख सकते हो कंसिडरेबल एक्सटेंट तक है सोशलॉजी कैन गेट क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट दी पाट सोशियलॉजी आपसे अगर हमें पास इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें हिस्ट्री से मिलेगी रैड्री ब्राउन ने कहा था सोशलॉजीज नोमथेटिक एंड हिस्ट्री इज इडियोग्राफिक नोमाथेटिक होता है जो कि नॉम्स एंड वैल्यूज आपको दे और जनरलाइज करे उनको उन वैल्यूज को जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताई थी कहाँ गया कैटेगराइज का ठीक है मैंने आपको ये एक कुछ डराइव डिड्यूस करेगा बाद में उसको जेनरलाइज करेगा यही होता है नोमोथेटिक होना कि यूनिवर्सल लॉ बनाएगा सोशोलॉजी यूनिवर्सल लॉ बनाएगी हिस्ट्री इज एडियोग्राफिक ये एक डिस्क्रीट इवेंट को स्टडी करेगी इन डिटेल फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी किया फिर इसको जनरलाइज नहीं कर सकती कि हर हर सेंचुरी uh, में या हर डेकेड के बाद एक फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा ये उसको जनरलाइज नहीं कर सकती है क्योंकि हिस्ट्री एडियोग्राफिक है ये एक पर्टिकुलर इवेंट को इन डिटेल स्टडी करेगी जो हिस्टोरियन डिस्क्राइब करते हैं यूनिक इवेंट्स को वाइल्ड सोशोलॉजिस्ट डिराइव जनरलाइजेशन तो बेसिकली ये चीज ये जनरलाइजेशन नोमोथेटिक ये और कैटेगराइज एंड जनरालाइज ये तीनों चीजें आपको एक ही बात बता रही है जो हिस्टोरियन है ये डिस्क्राइब करता है यूनिक इवेंट्स को वाइल्ड अच्छा ये हो गया बट नाउ एट इज हिस्ट्री इज नॉट ओनली कंसर्न विद विच एंड वट इवेंट्स बट ऑल्सो हाउ ऑफ द इवेंट्स ठीक है अगर जैसे फ्रेंच रेवल्यूशन की बात हुई तो ये सोशल कॉजेज भी देखेगा तो सोशल कॉजेस के लिए कहीं ना कहीं इसको सोशलॉजिस्ट की जरूरत है जो सोसाइटी को स्टडी करता है दिस एम्फोसिस ऑन कॉज एंड इफेक्ट हैज बॉट दी टू डिसिप्लिन टुगेदर ठीक है और जो लाइन है ये ब्लर हो गई है ये हो गया आपका हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी फाइन आगे चलते हैं जी एंड पॉलिटिकल साइंस आपको एक ही एग्जाम्पल बताऊं तो आप समझ जाओगे फॉर एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट लेके आई ट्रिपल सबको पता होगा आई ट्रिपल तलाक क्योंकि मुस्लिम मैन मुस्लिम में फोर वाइफ वो रख सकते हैं एट अ टाइम पे तो कुछ मुस्लिम मैन इस रूल को मिस यूज कर रहे थे उनकी वाइफ ने कंप्लेन की केस बना गवर्नमेंट लेके आई ट्रिपल तलाक ट्रिपल तलाक है डिवोर्स डिवोर्स किससे रिलेटेड है आपके मैरिज इंस्टीट्यूशन से वो किस चीज का इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का लेकिन लॉ कौन बना रही है आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बस ये इनका रिलेशन है सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आपके सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए लॉ बना रही है फाइन तो ये इनका रिलेशन हो गया ये तो हो गया सोशोलॉजी को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे इंपैक्ट कर रहा है सोशोलॉजी को उसके लिए लॉ लेके आ रहा है अब उल्टा देख लेते हैं अमेरिका में एक ये चला एक फिनमिना बिहेवियल अप्रोच का बिहेवियर अप्रोच का क्या मतलब हुआ उनने उसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में यूज़ किया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वोट मांगने जाना है पोलिटिकल कैंपेनिंग करनी है तो जिस एरिया में आप जा रहे हो उन एरिया के लोगों का बिहेवियर आप स्टडी करोगे तो वो बिहेवियर स्टडी करना किसका पार्ट पार आ गया सोसाइटी का बिहेवियर देखना किसका पार्ट आ गया सोशोलॉजी का आप देखोगे कि वो लोग किससे ज्यादा ट्रिगर होते हैं कास्ट की बातों से रिलीजन की बातों से या एजुकेशन जॉब की बातों से फाइन तो उसी अकॉर्डिंग जो आपकी कैंपेनिंग है वो उसी लाइन्स पे होगी जैसे अगर केजरीवाल कहीं जाते हैं कैंपेनिंग ये करने तो वो कौन सी चीजें बाद में उछालते हैं उनने कौन सा काम किया है एजुकेशन 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 वो दिल्ली के स्कूल वगैरह वो सारी बातें बोलते हैं तो जो लोगों का बिहेवियर है उस सोसाइटी का आप वही बातें बोल के अपने लिए वोट ले सकते हो तो ये भी एक रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी के बीच में जो आपको वोट कास्टिंग के लिए काम आता है जैसे अभी भी हम पता है कास्ट आइडियोलॉजीज को यूज किया जाता है रिलीजन को यूज किया जाता है क्योंकि वो बिहेवियरल स्टडी जो हमें सोशोलॉजी से मिलती है हमें पता है कि वहां उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए कौन सी बात ट्रिगरिंग है उनके सोसाइटियल बिहेवियर के हिसाब से हम बोलते हैं कि कौन सा टॉपिक उनके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा तो जो उनका सोसाइटी बिहेवियर को स्टडी करना है वो किसका पार्ट आ गया सोशोलॉजी का और जो फिर आपको वोट्स डालते हैं वो किसका पार्ट आ गया पॉलिटिकल साइंस का तो ये एक रिलेशन है इनके बीच में ठीक है हम देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है द टू डिस्टिंग डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस डू कन्वर्ज ऑफन एज द सब्जेक्ट मैटर इज मेन एंड कन्वर्जेंस इज ऑन द इंक्रीज ठीक है

इनकी थ्योरी को इकोनॉमिक डिटर्मनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि हर चीज आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है आपका रिलीजन भी उसी से रिलेटेड है आपकी पॉलिटिक्स भी उसी से रिलेटेड है सारा उसी अराउंड इंटरवुवन है इकोनॉमी के अराउंड ठीक है तो मिशेल मैक्सेब परेटो ये सारा हम पॉलिटिक्स चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला था पॉलिटिक के बारे में बिहेवियर अप्रोच मैंने आपको बताया कि इनकी थोड़ी डिफरेंस देख लो कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस एंड रेस्ट्रिक्टेड इट सेल्फ मेनली टू दी ऑफ स्टेट एंड पावर मोस्टली यही बातें करता है और इसका वाइडेस्ट स्कोप है ये कोडिफाइड लॉज है इसमें पॉलिटिकल साइंस में ये मीन्स ऐसे कोई एग्जाम्पन ये नहीं बोल सकता है इसके जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं रिटर्न एंड क्विफाइड फॉर्म में है सोशोलॉजी ओपन एंडेड हर सोसाइटी के अलग वैल्यूज है फॉर एक्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी किसी सोसाइटी में एक्सेप्टेड है किसी में नहीं है तो ओपन एंडेड है अपने अप्रोच में हर एरिया हर कल्चर का हर सोसाइटी का एक अपना कोई अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज होंगे पॉलिटिकल साइंस प्राइमरी टेंस टू टर्न अटेंशन टुवर्ड्स प्रोसेस विद इन दी गवर्नमेंट और ये इंटर रिलेशनशिप बिटवी दी सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ये देखिएगा जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है चाहे वो पॉलिटिकल हो फैमिली हो रिलीजन हो उनका आपस में क्या रिलेशन है और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अंदर से स्टडी करेगा ठीक है पोलिटिकल साइंस प्रोवाइड लॉ जो इफेक्ट करते हैं वेलफेयर ऑफ मासेज ये आपकी सोशोलॉजी से रिलेटेड है वेलफेयर मासेस के लिए आपको डेटा कहाँ से मिलता है सोशोलॉजी से एंड बेसिस फॉर दीज लॉज एंड पॉलिसी वो कौन देता है आपको सोशियलॉजी देखो वोटिंग बिहेवियर कास्टिज्म प्रोसेस ऑफ डिसन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सोशोलॉजिकल रीजनिंग फॉर सपोर्ट एंड पोलिटिकल पार्टीज द रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिटिक्स एक्सेट्रा ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं एक मतलब मिलाते हैं ब्लेंड करते हैं सोशोलॉजिकल थिंकिंग और पोलिटिकल साइंस को ये सारे टॉपिक्स क्योंकि सारे सोसाइटी से भी रिलेटेड है और आपके पॉलिटिक्स से भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी इम्पैक्ट करता है कैसे इसकी एग्जाम्पल अगर हम ले सोशल इंस्टीट्यूशन आपका ये है मैरिज फैमिली और पॉलिटिकल सिस्टम में आप चाइना की एग्जाम्पल ले लो इन्होंने कहा एनफोर्स किया टू चिल्ड्रन नॉर्म टू चिल्ड्रन नॉर्म किसकी बात होगी फैमिली मैरिज इंस्टीट्यूशन आ गया इसमें ये कि किसने एनफोर्स किया चाइना की गवर्नमेंट ने तो पॉलिटिकल सिस्टम आ गया इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने नेशनल प्लान पे लेके आए फैमिली प्लानिंग को एक नेशनल लेवल प्रोग्राम बनाया फैमिली प्लानिंग को ऑफिशियली लेके आए फैमिली प्लानिंग कोर्स का क्लिनिक भी सेटअप किया था पहली कंट्री इंडिया थी तो फैमिली प्लानिंग किससे रिलेटेड आपके फैमिली मैरिज इंस्टीट्यूशन से सोशलॉजी सोसाइटी से लेकिन वो लेके कौन आया इंडियन गवर्नमेंट तो ये इन चीजों का रिलेशन है फाइन तो इसे पॉपुलेशन पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट या फैमिली प्लानिंग ऐसे सब चीजों पर बातें करते हैं वो सारा किससे रिलेटेड है वो सारा, सारा चीजें क्या करता है आपके पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी को मिलाता है

अरब स्प्रिंग डेवलपिंग कंट्रीज में अगेंस्ट आप बोल सकते हो करप्शन के अथॉरिटेरियन रेजीम के जिसे मार्क्स ने कहा था जो सब्जुकेटेड लोग हैं वो कभी ना कभी अपनी आवाज उठाएंगे तो इन अ वे वो भी अगर आप देखो तो रिलेट कर सकते हो मार्क्स आइडियाज से उ, उन सब अरब स्प्रिंग को फॉर एग्जाम्पल तो इस वजह से इसका रिवाइवल हो रहा है और पोलिटिकल साइंटिस्ट इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ठीक है आई गेस विल स्टॉप हेयर फॉर टूडे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी और उसके बाद सोशोलॉजी इंड कॉमन सेंस और ये हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेगा फाइन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज गिव अ थम्स अप और उसको सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स में शेयर करें कमेंट करें फाइन तो जब तक मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ तब तक बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे